हेलो दोस्तों, ये रेडमी ए वन फ़ोन है। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हो मॉडल नंबर। तो अगर रेडमी ए वन फ़ोन आपके पास है, अगर हैंग हो रहा है या तो स्लो हो रहा है, तो इसका डेवलपर ऑप्शन आप एनाबल करके किस तरह फ़ोन को थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना है। जैसे ही सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट फ़ोन में आना है। तो यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, रेडमी ए वन। तो आपको इस अबाउट फ़ोन में आना है। अबाउट फोन में जैसे आओगे, थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे बिल्डर नंबर जैसा शो होगा, तो इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। 4-5 बार आपको टैप करते रहना है, जब तक इसका डेवलपर ऑप्शन एनेबल ना हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, इसका डेवलपर ऑप्शन जो है एनेबल हो चुका है। होने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है एक बार। जैसे बैक आओगे, तो यहाँ पे आपको सिस्टम में आना है। बैक करने के बाद सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद आपको यह डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ये डेवलपर ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और ये ऊपर वाला बटन जो है आपका ऑन और रहना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। तीन यहाँ पे सेटिंग बताऊंगा, वो तीनों सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। अब जैसे ही तीनों सेटिंग को ऑफ कर देंगे, तो आपका फोन अगर स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विंडोज एनिमेशन स्किल बोल के जो है 1x में रहेगा, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। और ये सेकंड वाला को भी ऑफ कर देना है, और ये थर्ड वाला को भी ऑफ कर देना है। आपको ये तीनों सेटिंग को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद और एक सेटिंग है यहाँ पे, तो मैं वो दिखा देता हूँ। वो आपको नो करना है सिर्फ उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसीड लिमिटेड जो लिखा है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है, बस इतना ही करना है। फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका फोन में अगर स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, फोन थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा इससे।